हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टूडियो। स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। सो बैंक पेंशनर्स की तरफ के लिए यहाँ पे बैंक इंट्रोड्यूस द न्यू स्कीम फॉर द पेंशनर्स हेल्प। सो आई वाज गोइंग थ्रू द फुल डिटेल्स, सो वी विल सी दैट हियर। सो काइंडली प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चैनल को फ्रेंड्स यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज वी आर मेकिंग एफर्ट्स फॉर ऑल द रिस्पेक्टेड सीनियर्स एंड पेंशनर्स, सो दैट वी कीप ऑन शेयरिंग द मल्टीपल अपडेट्स जितनी भी दिन भर की रहती हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू डू द बेस्ट, बट समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू कवर अप द थिंग्स बिकॉज जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। सो काइंडली लाइक द एफर्ट्स एंड फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी फ्रेंड्स कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे द बैंक पेंशनर्स के लिए। सो यहाँ पे फ्रेंड्स बैंक ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी है। बैंक इंट्रोड्यूस न्यू स्कीम फॉर द पेंशनर्स एंड आई थिंक दैट विल रियली हेल्प। एंड द स्कीम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द, आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफिकेशंस है। सो दीज आर द मॉडिफिकेशन अंडर द स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रिटायर्ड एम्प्लॉयज मेडिकल असिस्टेंस स्कीम है। द टर्म existing थी, the term gainfully employed shall mean such primary secondary member who is in employment and is receiving monthly remuneration of ₹12,000 and above। so इसे अब modify करके 12,000 की बजाय 18,000 and above कर दिया है। second reimbursement of annual health checkup मैक्सिमम टू एन एक्सटेंट ऑफ ₹2,000 पर फाइनेंशियल ईयर पर फैमिली यूनिट शैल बी पेबल इन अ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल बिल कैश रिसीप्ट्स। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फॉर क्लेमिंग द रीइंबर्समेंट अमाउंट टुवर्ड एनुअल हेल्थ चेकअप। इसको मॉडिफाई करके फ्रेंड चेंज कराया, रीइंबर्समेंट ऑफ एनुअल हेल्थ चेकअप मैक्सिमम टू एन एक्सटेंट ऑफ ₹3,000 पर फाइनेंशियल ईयर पर फैमिली यूनिट शैल बी पेएबल इन अ फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल बिल कैश रिसीव्ड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट इज एग्जेम्प्टेड फॉर क्लेमिंग द रीइंबर्समेंट अमाउंट टुवर्ड एनुअल हेल्थ चेकअप। उसके बाद एक जो मेजर इन्होंने चेंज करा है, रक्षिता के 75 वर्ष। सो न्यू स्कीम है फॉर द रिटायरी। सो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम इज टू शो अब डिज़ायर एंड गुड यशर टुवर्ड अवर वेटरियंस फॉर इंश्योरिंग देयर गुड हेल्थ एंड वेलबींग। द डिटेल्स रिगार्डिंग द स्कीम इज मैंशनड हेयर। बैंक शैल प्रोवाइड वन टाइम एक्सग्रेशिया पेमेंट टू अवर रिटायरीज फैमिली पेंशनर्स ऑन अटेनिंग 75 ईयर्स ऑफ एज। सो एज द स्कीम इज इफेक्टिंग फ्रॉम October 2024 रिटायरीज हुआ 75 ईयर्स एंड अबव शैल आल्सो बी प्रोवाइडेड विद द वन टाइम मोनिटरी बेनिफिट अमाउंट। वन टाइम एक्सग्रेशिया अमाउंट प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम शैल बी ₹5,000 विदाउट सबमिशन ऑफ एनी एप्लीकेशन। सो बिना कोई एप्लीकेशन दिए आपको ये मिल जाएगी। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एलिजिबल रिटायरीज एज ऑन 30 September 2024 शैल बी पेड द वन टाइम मॉनिटरी अवार्ड इन द मंथ ऑफ November 2024। हाउएवर सच रिटायरीज हु अटेन 75 ईयर्स After September 2024 shall be provided with the one time amount in the succeeding quarter। तो उनकी जो हेल्प है फ्रेंड्स वो सक्सीडिंग क्वार्टर में होगी यहाँ पे।
फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सो ये है पूरा अपडेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। जितने भी एलिजिबल रिटायरीज हैं एज ऑन 30th of September 2024 शैल बी पेड विद वन टाइम मॉनिटरी अवार्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024। हाउएवर सच रिटायरीज हु अटेन 75 ईयर्स आफ्टर सितंबर 24 जो आफ्टर सितंबर 2024 75 ईयर्स ऑफ एज अटेन करेंगे शैल बी प्रोवाइडेड विद द वन टाइम अमाउंट इन द सक्सीडिंग क्वार्टर। सो उनको सक्सीडिंग क्वार्टर में यहाँ पे वो दिया जाएगा। सो काफ़ी अच्छी चेंजेस हैं जो यहाँ पे बैंक ने फ्रेंड्स चेंजेस करी हैं। सो वी थॉट टू शेयर इट एंड आई वॉज गोइंग थ्रू द फुल अपडेट। सो बड़ी स्मॉल चीज़ें हैं जो यहाँ पे चेंज हुई हैं। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट 21st November शो हो रहा है। आई थिंक ये 21st November फ्रेंड्स नहीं है, इन द MC सिंगला केस इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। सो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर देखें उसमें 20th November है, तो यहाँ पे क्लरिकल एरर भी हो सकता है दैट जो हमारा MC सिंगला केस है इसमें इंस्टेड ऑफ 20th November मे बी द डेट इज़ 21st of November। इफ दैट इज़ द इशू तो हो सकता है काफ़ी पेंशनर्स और क्वेरिंग काफ़ी ने क्वेरी करी है रिगार्डिंग दिस दैट थिंग्स हैव चेंज फ्रेंड्स। सो काइंडली शेयर दिस अपडेट फ्रेंड्स। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बिकॉज हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं फॉर द बैंक पेंशनर्स फ्रेटर्निटी के लिए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस इम्पॉर्टेंट अपडेट। एंड हम आशा करते हैं जो MC सिंगला केस है इन द कमिंग सम टाइम्स हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे एक वे आउट सा मिल जाए, एक फॉर्मूला मिल जाए फॉर द पेंशन इम्प्रूवमेंट फॉर द पेंशन अपडेशन फ्रॉम द इंडियन बैंक एसोसिएशन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल। एंड ऑन द सेम लाइन्स जैसा कि यूनियन बैंक ने यहाँ पे अपने पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी मॉडिफिकेशंस करी हैं, सो अदर बैंक्स भी यहाँ पे जो बड़े मेजर बैंक्स हैं बैंक ऑफ इंडिया, PNB एंड SBI तो वो चेंजेस लेके आए। दैट्स ऑल, थैंक यू।